बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम इन दिनों हिमाचल के दौरे पर हैं और यहां की हसीन वादियों में घूमने का खूब आनंद ले रहे हैं। सोनू निगम ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ नगरोटा धाम माता श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में कांगड़ा में पहुंचकर पूजा अर्चना की, वो माता का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इससे पहले इन्होंने नंदकेश्वर शिव मंदिर बैजनाथ व माँ चामुंडा देवी के भी दर्शन किए। बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम इन दिनों हिमाचल के दौरे पर हैं और यहां की हसीन वादियों में घूमने का आनंद भी ले रहे हैं। धर्मशाला पहुंचे सोनू निगम ने प्रसिद्ध सीतपीठ नगरकोटा धाम माता श्री ब्रजेश्वरी मां कांगड़ा में पहुंचकर पहले पूजा अर्चना की और मां के आशीर्वाद लिया। वहीं सोनू निगम इससे पूर्व नंदीकेश्वर शिव मंदिर बैजनाथ व माँ चामुंडा माँ के दर्शन भी कर चुके हैं। शुक्रवार को उन्होंने बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग का भी खूब आनंद लिया था। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर पहुंचने पर मंदिर के पुजारी पंडित राम प्रसाद शर्मा ने उनका विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई और माता की फोटो देकर उन्हें सम्मानित भी किया। इसके बाद कुछ समय उन्होंने मंदिर न्यास में भी बिताया जैसे ही सोनू निगम मंदिर पहुंचे वैसे ही मंदिर के प्रांगण में प्रशंसकों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। मंदिर के प्रांगण में हर कोई सोनू निगम के साथ फोटो खींचता देखा गया। उन्होंने अपने प्रशंसकों को नाराज भी नहीं किया। इस मौके पर उनके साथ हिमाचल गायक कुमार साहिल भी मौजूद रहे। सर आप हिमाचल आए हो तो कैसा लगा? मैं असल में मेरे भाभी ने दुनिया में भ्रमण करना लिखा है इस समय, तो मैं बहुत जगहों से घूम रहा हूँ। मैं पिछले 1.5-2 साल से यात्राएं कर रहा हूँ और इसलिए मैं एक अनुभवी यात्री हूँ। और हिमाचल में तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि मेरे मित्र बचपन के मित्र मनीष वैद यहाँ पर रहते हैं, तो हम सभी दोस्तों ने सोचा कि हम यहाँ पर आएँ और आपस में मिलें और कुछ समय बिताएं। इसी सिलसिले में हिमाचल में का अच्छा भ्रमण करने का मौका पहली बार मिला। इसके पहले मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, पर शो के लिए आता था तो थोड़ा बहुत ही रुकता था। इस बार बिना किसी काम के आया हूँ। कल मैं जाऊँगा कुल्लू में, कल मेरा एक कॉन्सर्ट है और उसके लिए मैं, पर ये जो 4 दिन मैंने बिताए हैं यहाँ पे सिर्फ जैसे अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में, और क्या खूबसूरत स्वर्गिक जगह है यहाँ के लोग। मुझे, मैं भी जल्दी ये कह रहा था कि यहाँ के लोगों का आचरण बहुत ही अच्छा है, सीधे हैं और मज़ा आता है मुझे कि मुझे तस्वीर खिंचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर अच्छा लगता है कि जब मैं खूब तस्वीर खिंचाएँ तो अकेला छोड़ देती हूँ। तो इस हिसाब से मेरे लिए अच्छा अनुभव है। तभी मैं छुप के नहीं आया हूँ, टोपी पहन के नहीं आया हूँ, मुँह छुपा के नहीं आया, खुले आया मैं हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि हिमाचल में जब लोग मिलते हैं तो प्रेम दिखाते हैं परंतु अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करते। तो ये और ऊपर से ये मंदिर, मैंने इतनी भेंटें गाई हुई हैं, इतने भजन गाए हुए हैं, इतनी बार माँ वज्रेश्वरी का नाम लिया हुआ है, कांगड़ा देवी मंदिर का जो जहाँ पे ये नाम रखा है, पर मैं कभी यहाँ पे आ नहीं पाया था। तो ये मुझे सौभाग्य मिला है कि अब मैं फाइनली मैं दर्शन कर पा रहा हूँ और मेरी कामना है कि मैं बार बार यहाँ पर आऊँ। मैं प्रभु से कुछ माता से मैं मांगता नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन मुझे यहाँ आके जो वाइब्रेशन है मुझे अच्छी लगती और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर आता होगा वो सुखी चित्र लेकर वापस जाता होगा।